लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके चलते जहां एक ओर निजी बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर व्यवसाय करने वाले दुकानदार भी इससे अछूते नहीं हैं। सोलन का बस स्टैंड भी सूना पड़ा है। लोगों की आवाजाही कोरोना संक्रमण के डर से बेहद कम हो चुकी है। बस स्टैंड पर व्यापारियों को किराया निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें कुछ किराए में रियायत दी जानी चाहिए, ताकि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सोलन बस स्टैंड पर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने कहा कि जब से सोलन में कोरोना के मामले सामने आए हैं, तब से लोग बेहद कम अपने घरों से निकल रहे हैं, जिसके चलते उनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका है। उन्होंने कहा कि वे दिन भर दुकान में बैठकर आमदनी नहीं कर पा रहे हैं, दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ रियायत उन्हें प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे भी राहत की सांस ले सकें। कोरोना की जो महामारी आई है, इससे बहुत दिक्कत है, और हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि कम से कम बाहर निकले। हमारा धंधा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा पैसा तो हम अगले साल भी कमा लेंगे, दो साल बाद भी कमा लेंगे, लेकिन इस टाइम अपनी सेहत का भी ध्यान जरूरी रखना है। रही बात होटल की, सर होटल में तो कस्टमर कोई आता ही नहीं है, ढाबे का कोई काम नहीं है आज की डेट में। ये चीज़ है, मैं तो सारी मार्केट में घूमता हूँ, सब्जी वाले के जाता हूँ, किराना की दुकान में जाता हूँ, पूरे बाजार में जाता हूँ सोलन में, लेकिन किसी के पास भी कोई ग्राहक नहीं है। सबका यही धंधा है, चौपट धंधा चौपट हो चुका है। इधर बसों का क्या धंधा चौपट, होटल वालों का चौपट, किराने की दुकानों का धंधा चौपट इस महामारी की वजह से। लेकिन शायद आगे कहीं एक दो साल बाद दवाई तैयार हो जाएगी, तो शायद ठीक हो जाए। नहीं, मैं सोनू, न्यू बस स्टैंड सोलन से। नहीं, ग्राहक वगैरह तो कुछ नहीं है, कोई ना कोई पॉजिटिव आई जा रहा है, कभी सब्जी मंडी आ रहा है, कभी पुलिस लाइन पे आ रहा है, कभी कोटला आ रहा है, कहीं ना कहीं चला हुआ है, तो लोग तो आ नहीं रहे हैं। बस ये बसों के ड्राइवर कनेक्टर हैं जो आ रहे हैं, वो भी बसें सारी नहीं चल रही है। लोग डरे हुए हैं, लोगों के पास पैसे ही, तीन चार महीने से लोगों ने जो था उनके पास बैलेंस वही खर्चा है, अब लोगों के पास पैसा भी नहीं है। दूसरा, बसें भी कम चल रही है, जो चल भी रही है उनमें भी सवारी नहीं है। हमारे खाने पीने का सामान है, उससे वैसे लोग डरते हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का काम है, इसमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं ज़्यादा, बस ये है कि चलो आगे यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, घर में भी बोर ही हो रहे हैं। जो छोटे दुकानदार हैं, इनके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, कोई स्कीम, कोई हेल्प वगैरह कुछ करे। कोरोना की वजह से कि आज की डेट में कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे, जैसे कि सोलन से पिछले कुछ दिनों से जो केसेस आए हैं, उस वजह से थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं, और मतलब बाहर निकलना बहुत कम कर दिया लोगों ने। पहले थोड़ा सा तब भी मार्केट के अंदर लोग थे, अब जब से 16 केसेज आए उस वजह से थोड़ा सा लोग अब बहुत कम हुए हैं, सैटरडे से लेकर अब तो बहुत ही कम है। मतलब तो आपके काम पर क्या कैसा प्रभाव है? काम पे बहुत प्रभाव है जी, आज के दिन में लोग बाहर खाना वैसे भी अवॉइड करते हैं, लोग मतलब बाहर निकलना सोच समझ के पहले देख लेते हैं कि खाएँ ना खाएँ, मतलब डरते बहुत हैं लोग आज के लिए खाने से। प्रभाव तो बहुत है जी, काम है नहीं बिल्कुल नहीं जी, और किराए निकालने बहुत मुश्किल है आज की डेट में।